सभी विद्यार्थी कल से ही प्रातः काल से ही तिलक लगाना शुरू कर दो। माता पिता गुरु इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर दो और पढ़ाई पढ़ो, अपनी पुस्तकें पढ़ो और 5 दोहा रामायण के पाठ करो। तुम्हें संसार में कोई भी किसी भी रास्ते में फेल नहीं कर सकता, ये हमारी गारंटी है। हमने केवल ये नहीं कहा कि तुम रामायण भर पढ़ो, ना हमने ये भर नहीं कहा कि तुम प्रणाम करो। ऐसा ना हो कि तुम रामायण भर पढ़ो और एकदम प्रणाम भर करो, किताबें पढ़ो ही ना और फिर हो जाओ फेल, फिर तुम हमारी ठटरी बारो। भैया आप अगर 2-4 नंबर से चूक रहे होंगे, आपको कोई अगर परेशान कर रहा होगा, आप अगर फेल होते दिख रहे होंगे, तो रामचरितमानस ऐसी कृपा कर देगी कि प्रणाम करने के प्रभाव से, रामायण का पाठ करने के प्रभाव से 2-4 नंबर से अगर फेल हो रहे होंगे तो आप पास हो जाएंगे। विद्यार्थी कितने कथा सुन रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, एक सूत्र और सुन लो, आज की बात गांठ बांध लेना, आज के प्रवचन एकदम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें बहुत काम आएंगे। आज का वीडियो तुम रोज देखना, घर जाकर के बागेश्वर धाम चैनल खोलना, इस बात को रोज देखना। रोज क्यों, करत करत अभ्यास के जड़मति हो रसरी आवत जाए थे पर पर। बार बार सुनोगे तो चित्त में बात चिपक जाएगी। दूसरा उपाय सुनो, जो विद्यार्थी याददाश्त जिसकी कमजोर हो, याद करने में बड़ी दिक्कत हो, तो 2 बातें सुन ले। एक, प्रातः काल जल्दी जगें, सुबह से सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय के पहले स्नान कर लें और रोज सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ में सूर्य भगवान के 12 नाम, 2 नाम, 5 नाम लें, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम खैचराय नमः। इन नामों का जप करते हुए विद्यार्थी अगर प्रतिदिन अर्घ देता है, भ्रामरी प्राणायाम करता है और प्रातः काल जल्दी उठता है, तो उसको कभी भी जीवन में याददाश्त की दिक्कत नहीं होती है। ये सफलता के मंत्र हैं और विद्यार्थी को रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और जितने बागेश्वर धाम के पगला बैठे हैं, कौन कौन बागेश्वर धाम की कृपा पाना चाहता, आप लोग एक बात गांठ बांध लो, हमारे पास तो ये व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम बिजनेस वाले आदमी नहीं हैं, होगी तो पता नहीं। आप अपने अपने मोबाइल से बागेश्वर धाम बालाजी का चित्र निकाल कर उसकी एक फोटो मड़वा कर पूजा करके लाल रंग के कपड़े के ऊपर बिछा करके रख दो। आपकी अर्जी लगे ना लगे, पर्चा बने ना बने, प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। 1 महीना 2 महीना 5 महीने में मंगल या शनिवार के दर्शन करना प्रारंभ कर दो। कभी भी पर्चा ना बने, बालाजी आपकी चरणों में आपकी चर्चा पहुंच जाएगी और बालाजी कृपा कर देवेंगे। बागेश्वर जी की महिमा निराली, महिमा निराली।
श्री धीरेन्द्र जी की कथा का वाचन हुआ, उसमें कथा भागवत का रस राम।